हेलो फैमिली, कैसे हैं आप सब? आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज 24 तारीख हो गया है और सबसे पहले हमारी फैमिली की तरफ से सारे यूट्यूब फैमिली को, सारे इंस्टाग्राम फैमिली को हैप्पी करवा चौथ। और हर हमारी बहनें, माताएं, हमारी सिस्टर, हमारी मतलब जो भी भाभियां वगैरह हैं, सब लोग को हमेशा सदा सुहागन रहे, आपकी ज़िंदगी में खुशी हमेशा आए। तो हम भी करवा चौथ की तैयारी कर रहे हैं। तो लेकिन देखिए मेरा मेहंदी कैसा लग रहा है आगे पीछे। मैं दो दिन पहले लगवा ली थी, आप लोग को तो पता होगा, और घर का काम वगैरह कर रहे थे, फिर भी इसका कलर है बहुत। तो फैमिली मतलब क्या बोलते हैं, इस ब्लॉग में हमारे थोड़ा बहुत जो शॉपिंग बाकी था, तो मैं भी मार्केट जा रही हूँ और मार्केट से कुछ सामान वगैरह खरीद कर लाएँगे। फिर अभी हम मतलब साड़ी सुबह नहाकर नहीं पहने, इस ब्लॉग में मेकअप वगैरह हमारा आएगा और मैं कैसे रेडी हुई हूँ कि मेरा क्या लुक है और मैं मतलब करवा चौथ में क्या क्या सामान चढ़ाती हूँ, सब कुछ इसी ब्लॉग में आएगा। आप लोग ज़रूर देखिएगा पूरी वीडियो। लेकिन एक बात मैं आप मेरी फैमिली में आप लोग से एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि इस मतलब आज के दिन हमारा, जानते हर औरतों के साथ ऐसा मतलब कि थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, समझ सकती हैं। तो हमारे साथ ऐसा मेरा मतलब कि क्या समय औरतों का प्रॉब्लम वही समझ लीजिए, मैं पूजा नहीं कर पाऊँगी, मैं मेरे संति मेरे हस्बैंड करेंगे। वैसे मैं हर साल करवा चौथ थी, लेकिन फैमिली जैसे कि बर्तन तो हमारे पास बहुत था, लेकिन अब प्रसाद बनना था तो हमने देखिए ये प्रसाद बनने के लिए कढ़ाई छोटा सा कितना प्यारा लग रहा है ना, बहुत प्यारा लग रहा है। और बहुत सारे देखिए बर्तन था, तो इसमें था हमने जो मंगाया था ये चीज़ें, इसमें खीर बना एक दे दिए, किट्टू खीर बना रही हैं। और यही सब बर्तन होता है ना, कभी साफ़ सुथरा बर्तन रखो तो जैसे भोग लगाना, भगवान जी का प्रसाद बनाना, तो बर्तन हमारे काम में आ जाते हैं। तो इसमें क्या होगा, हलवा पूरी बनेगा, कढ़ाई तो हमारे दो दो तीन तीन निकला है, लेकिन उसमें अब जानते हैं नाम नहीं ले सकते हैं, फास्ट हैं। तो ये चीज़ है, इसमें हलवा पूरी बन जाएगा। और इसमें तीन का पीस था, तीन पीस का था, तो एक पीस निकाल कर दे दिए। इसमें जो वो खीर बनाएगी, खीर हाँ भगवान को भोग लगाने के लिए। और ये जो थाली मंगाए थे, ये दो थाली निकाल देते हैं उनको भोग लगाने के लिए भगवान को, क्योंकि एक में हलवा रख देंगे, एक में पूरी रख देंगे और एक में खीर रहेगा, यही सब रहेगा। तो देखिए हम यहाँ पर एक ही निकाल दीजिए, हाँ दो थाली निकाल लेते हैं भगवान का प्रसाद चढ़ाने के लिए। और सूट करो बेटा इधर से एक मिनट। तो यहाँ पर देखिए बेड के अंदर हम अपना सामान रखे थे, इसको हमने निकाल दिया है और फिर मैं अभी इसको अच्छे से रखूँगी। देखो सनाची सूट कर, देखो सनाची कूद रही है साथ में, सूट करो मेरा। यहाँ पे अब मम्मी दो प्लेट निकाल चुकी है, आधा एक सौ आप सब, और क्या कहते हैं, और सिर्फ हो गया। हाँ मम्मी मैं देख क्या हूँ, ये सब क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? वो पढ़ाई कर रहा है। चलिए मैं भी आप सबको दिखाती हूँ, यहाँ पे आप सब देख सकते हैं ऋषभ कलर कर रहा, नहीं ऋषभ पिंक कलर होता है, पिंक कलर। देखो इधर चित्र दी, इधर चित्र दिया है ना, इधर पिंक कलर, पिंक कलर करो लो। अच्छा। अभी ऋषभ को नहीं पता, छोटा है इसलिए मैं बता दे रही हूँ। और ये क्या पढ़े हो ऋषभ आज, बता दो ऋषभ क्या पढ़े हो? मैं आपको दिखाती हूँ ऋषभ क्या पढ़ा है, उसके नोटबुक में लिखा हुआ है। ये देखिए ऋषभ ये पढ़ा है, मैं ऐसे उसको देती हूँ और इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा दे रही हूँ। ये देखिए ए लिखा हुआ है, और मैथ में दिखा देती हूँ क्या लिखा है, मैथ वाला कहाँ गया, ये देखिए ये है मैथ का, और इसको आता है, लेकिन ना ये बोलता है हम नहीं लिखेंगे, लेकिन मैं ज़बरदस्ती लिखवाती हूँ। देख सकते हैं अब यहाँ पे ऋषभ कलर कर रहा है, कर मम्मी ऋषभ पढ़ाई कर रहा है। और यहाँ पे मतलब बर्तन निकल गया है, मम्मी उसमें क्या है, उसमें मम्मी वो क्या रखा है कार्टून में, ग्लास की निकाली हो? और यहाँ पे दो प्लेट निकल गए हैं और एक कढ़ाई है और एक वो निकला था जिसमें चाय बनता है। A few moments later.
हम घर से निकल रहे हैं। हाँ तो फैमिली हम घर से निकल रहे हैं मार्केट। चलो बाबू चलो पापा चले जाएंगे। बाय बाय बेटा। तो यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं, दिखा सके ऋषभ उतरो। ऋषभ मैं जा रही हूँ जल्दी जल्दी, अभी मास्क भी लगाना है। हाँ हाँ तुम्हारे लिए सब कुछ ले लेंगे, काहे की टेंशन ले रहे। और हल्की फुल्की बारिश भी हो रही है। आओ 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 पहले आराम आराम से आओ। तो फैमिली देख सकते हैं जाते जाते बारिश होने लगी है, देखते हैं क्या करते हैं। ज़्यादा बारिश नहीं हो रही, हल्का फुल्का हो रही है। जब पति देव देख सकते हैं गाड़ी पूछ रहे हैं, स्कूटी से जाएंगे मार्केट। अभी मार्केट से होकर आएंगे, थोड़ा बहुत सामान बाकी था लेने जा रहे हैं। क्या जी बारिश हो रही है क्या? बारिश हो रही पूछ रहे हैं। चलिए हम मार्केट में आपसे मिलते हैं। यहाँ पर हम आ गए बिछुआ लेने। चले चलते हैं अंदर बिछुआ लेने और डिज़ाइन देखते हैं कैसा कैसा डिज़ाइन मिलता है। यहाँ पर देख सकते हैं कितना प्यारा प्यारा सुंदर सुंदर वगैरह नज़ारा है देखने के लिए आपको। तो चलिए ब्लॉग में जुड़े रहिएगा। देखते हैं, मुझे पसंद आई। देखिए बाबू कैसा था, हल्के में लिए हैं अभी, देखते हैं। और यहाँ पर वैसा है देखा, मुझे एक जोड़ी पसंद आया क्योंकि चढ़ाने के लिए था तो मैं पसंद कर ली हूँ। बहुत सारा दिखाया है लेकिन बहुत महंगा था। तो कैसा लग रहा है डिजाइन समझ में आया? छोटा सा है छुटकी। देखिए जी कैसा है इधर देखिए। हल्का में लेंगे हमेशा, हमेशा चढ़ाना है, मुझे भी पहनना है। तो देखिए हमने ले लिया, चलिए सब पेमेंट कर दीजिए फिर और चलते हैं मार्केट के अंदर। तो फाइनली हमारा मतलब ये मीना बोलते हैं बिछुआ बोलते पैकिंग हो गया है और इसका ये रसीद है। तो चलते हैं हम मार्केट के अंदर कुछ और सामान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मतलब कि आपको चूड़ी वगैरह भी मिल जाएगा। तो मम्मी के साड़ी का चूड़ी नहीं लिए थे, फिर यहाँ से हमने चूड़ी ले गई है खरीदे। कपड़े के साथ साथ चूड़ी भी बहुत सारे मिल रहे हैं। तो वंदना जी यहाँ पे देखिए गजरा और फूल खरीद रही हैं। कौन सा फूल है ये व्हाइट वाला? ये खुशबू वाला ढूंढ रहे हैं। चमेली का भी आता है ना, वो भी खुशबू होता है। एक रात रानी आता है लेकिन वो रात को ही महकता है। ले ली, चलो हो गया। और कुछ लेना है? पतिदेव को कुर्ता लेना था तो आए हैं कुर्ता पैजामा लेने। तो ये देखिए हल्का रेड कलर में है तो ये पसंद कर रहे हैं, खोल कर देख रहे हैं इसको, मतलब कि देखेंगे पहनेंगे कैसा लगता है। पहनिए जी देखते हैं। अपना गंजी टी शर्ट वगैरह निकाल दिए, चेक कर रहे हैं साइज है कि नहीं सही, क्योंकि साइज अब हाँ। और जो कुर्ता पहनते थे तो मेरे मतलब मायके से मिलता था, मेरे भाई लोग दुकान में है ना तो वहाँ से देते हैं और अच्छा भी लगता है। वहाँ तो उनके घर बनता है, फैक्ट्री है। देखिए पति देव के ऊपर कैसा लग रहा है, अभी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है सज धज लेंगे। अच्छा सज धज लेंगे अभी क्या, अभी ये ढूंढने पे ना एक नंबर चढ़ेगा, एक दो नंबर सही है। नेताजी लग रहे हैं एकदम। इधर देखिए तो नेता परेता वो अपना चेहरा छिपा लिए इसके अंदर देखिए। बहुत लोग ना शर्माते हैं, वीडियो में नहीं आना चाहते। देखिए छोटा सा हैंकी भी हैंकी है। हाँ अच्छा लग रहा है। कुछ लोग बोलते भैया मेरा भी ले लो, कुछ लोग बोलते भैया मेरा मतलब। हाँ कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। तो चलिए हमारे ब्लॉग में जुड़े रहिए। अब मैं घर जा रही हूँ, पूजा करने की भी तैयारी करना है। तो फैमिली मैं घर पर आ गई हूँ, देख रहे हैं यहाँ पर पूजा का सामान वगैरह रखा गया है और इसमें भी लड्डू वगैरह जो है सब कुछ सामान है। इसका आइसक्रीम बनाती हूं मैं आज। और इधर ऋषभ बहुत जिद कर रहा है, देख सकते हैं। देखिए ये लड़का कितना जिद कर रहा है। और घड़ी में बज गए हैं 4, अभी वो लड़का नहीं आया है, उसी का वेट कर रहे हैं तैयार होने का। ऋषभ के लिए चॉकलेट लाई हो, बड़ा चॉकलेट। क्या ऋषभ इतना चॉकलेट के लिए थोड़ा रखा जाएगा, आधा तुमको भी देगा। चलो खोलो। और उधर पे देखिए किटो जी तैयारी बैठी है सुबह से।
मैं तो नहीं, मेरा ना जानते हो प्रॉब्लम हो गया ना, मेरा तो कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करें, सज लेंगे धज लेंगे, पूजा हमारे पति देव करेंगे। तो कोई बात नहीं, चलिए जुड़े रहिए। फैमिली देखिए, ये सासू माँ का हमने थाली सजा कर रख दिया है, यहाँ पर देखिए इसमें सब सामान है, और वो भी तैयारी कर रहे हैं, हम तो करेंगे नहीं। तो चलिए, आज का हमारा ब्लॉग यहीं तक, पसंद आएगी तो लाइक कमेंट से जरूर कर देना। जा रहे हैं मेकअप करने, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।